वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेबलिन का न्यू लॉन्च। लाइक आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मेबलिन ने एक न्यू लॉन्च लाइनर लाया है मार्केट में, विच इज द कोलोसल लाइनर। वेल, कोलोसल काजल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि वो सबसे लंबे टाइम से मार्केट में है, काफी साल हो गए हैं। बट अब आया है मेबलिन का कोलोसल लाइनर। आप सभी को कोलोसल काजल तो बहुत पसंद होगा, बट आज मैं आपको सच सच बताने वाली हूँ कि आपको ये लेना चाहिए, आपको ये लाइनर नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है या नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी शॉकिंग चीजें पता चलेंगी इस वीडियो में। इसके क्लेम्स कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, बहुत सब कुछ। तो दिस इज आउटर पैकेजिंग गाइस। ये नायका में आपको मिल जाएगा। मैं इसका परचेज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो है यहाँ पे मेंशन करता है कि इट लास्ट अप टू 24 आवर्स, बोल्ड ब्लैक, स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। हम ये सारे टेस्ट करने वाले हैं एंड 3 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है। वैसे तो ये जैसे ही मैंने देखा कि इट्स लॉन्च, आई जस्ट बॉट इट, यूज्ड इट फॉर अ फ्यू डेज एंड 4-5 यूजेस के बाद आई एम टेलिंग यू दिस रिव्यू। तो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स, दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स, प्रिटी क्यूट येलो लिटिल लाइनर का packaging. Now I'm gonna talk about the brush or the tip of the liner. So this is the tip. ये टिप मेरे को बहुत पसंद आई। द लाइनर इज जेट ब्लैक। इसकी जो टिप है, ये टिप मोटी है, बिल्कुल पतली फ्लिम्जी टिप नहीं है। तो आपके लिए लाइनर और विंग दोनों चीजें अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैं आपको ये लाइनर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। उससे पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे यार, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस कैसे बनाऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन को नीचे क्लिक करके। अभी यार पैसे नहीं लगते हैं इसके, और उसके बगल में जो घंटा है उसमें ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर देना गाइस। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एनीवेज, तो अब जो है हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर ले लिया है। मैं आप लोगों को जूम अप कर देती हूँ। तो गाइज अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखा रही हूँ एंड देखते हैं ये कैसे अप्लाई हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कोई बेस मेकअप नहीं है। तो इसका ब्रश इतना अच्छा है कि एप्लीकेशन तो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इतने सारे लिक्विड लाइनर्स यूज़ कर चुकी हूँ, बट इसके एप्लीकेशन से आई एम रियली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। सो या इट्स अ बिग बिग विंग दैट मैंने दोनों तरफ लगा लिया है। तो एप्लीकेशन तो काफ़ी स्मूथ थी, आप लोगों ने ये चीज़ देखी, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है ये आईज पे। तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मैं सो एक्साइटेड कि यार कोलोसल का लाइनर, मैं कितने टाइम से एक अच्छा लिक्विड लाइनर ढूंढ रही थी बजट में, अच्छा जो कि सच में अच्छा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो जैसे ही आया आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैंने देखते ही ऑर्डर कर दिया। फर्स्ट थिंग जो इसका क्लेम इसके पैकेजिंग पे मैंशनड है, 24 आवर्स लास्टिंग। इट डजंट लास्ट फॉर 24 आवर्स। कम वॉट में कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये 24 आवर्स आपकी आंखों पे लास्ट नहीं करेगा। सेकंड थिंग, बोल्ड ब्लैक, यस इट्स बोल्ड ब्लैक, कंप्लीटली अग्री टू द पॉइंट। स्मच प्रूफ, वेल तो अभी आप आगे देखने वाले हो। वाटर प्रूफ, ये भी आप आगे देखने वाले हो। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जब ये लाइनर ड्राई हो जाए उसके बाद ये दोनों टेस्ट कितना ये पास कर पाता है। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं स्मच प्रूफ टेस्ट। आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो देखते हैं स्मच होता है कि नहीं। ओके, मैंने हल्का सा स्मच करने की कोशिश की और आप लोग देख सकते हो लाइनर यहाँ से गायब। देख सकते हो बिल्कुल मैंने हल्का सा ऐसे किया। तो कई बार हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और कॉलेज जाते हैं और इस तरह से ऐसे ये लाइनर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये स्मच प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो बर्ज आउट हो जा रहा है, ये खराब हो जा रहा है स्मच करने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं इसको। तो लाइनर कुछ ऐसा होना चाहिए गाइज जो हम अगर दिन में बिना सोचे समझे ऐसे कर दे तो वो ऐसे निकले नहीं, अगर वो क्लेम कर रहा है तो। अगर वो क्लेम नहीं कर रहा है तो दूसरी बात है। नेक्स्ट अप ऑन द अदर आई वी गोना ट्राई द वाटर प्रूफ टेस्ट। देखते हैं कितना वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पे मैंने इस टिश्यू में ले लिया है पानी। वाटर प्रूफ भी नहीं है ये. Can you guys see? Does it look like it's waterproof? No. So Maybelline claims it's waterproof. It's smudge proof, but it isn't, because you guys can see everything is on camera. This is water, no kind of makeup remover or something. And waterproof होते ही ऐसे थोड़ा सा आप कर दो and it's gone. You can see that. The third thing I didn't like about this product is कि इसको लगाते ही आपका जो लाइन करते ही थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा वो सिकुड़ रहा है, आपका एरिया जहाँ पे अपना लाइनर अप्लाई किया है तो वो थोड़ा सा सिकुड़ सा रहा है, ऐसा आपको फील होगा. मुझे होता है मतलब फील इसको लगाने के बाद कि मेरा सिकुड़ सा रहा है ये पूरा एरिया, मतलब आँखों का एक अजीब सा फीलिंग है कि कंट्रैक्ट हो रहा है वो स्किन. सो आई डोंट नो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है या फिर ये सारे प्रोडक्ट में ये सेम प्रॉब्लम है. सो दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन. द लाइनर इज जेट ब्लैक. अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो वाटर प्रूफ या स्मज प्रूफ हो तो आप इसको आराम से ले सकते हो, क्योंकि इसका टिप वन ऑफ द बेस्ट टिप्स है. मतलब इसका जो ब्रश है इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रशेज इन दिस बजट जो कि अवेलेबल है इंडिया मार्केट में. सेकेंड थिंग इज कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक डेली वेयर लाइनर चाहिए, आपको ऐसा ही ब्लैक लाइनर चाहिए, तो आप ले सकते हो इसको. लेकिन अगर आप स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ के बारे में सोच रहे हो तो मैंने आपको दिखा दिया ये कितना स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है. So I hope you like this video. Let me know in the comment section below. What do you feel about this product? And yes, I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye. Lots of love to you guys. Do subscribe to my channel. I'll keep sharing these kind of honest videos with you guys, which will help you decide to buy or not to buy the product. So yeah, without any further chit chat, I'm gonna say bye.